नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में तीसरे चरण के शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर नया अपडेट सामने आया है। अब ये परीक्षा जो है मार्च महीने में कराई गई थी, जिसे पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया था और अब ये परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच ली जा सकती है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग से खबर सामने आई है, बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि अब तीसरे चरण की बहाली परीक्षा के लिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो तैयार हो जाए। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले भी ये परीक्षा ली जा चुकी है मार्च महीने में, जब बीपीएससी के तहत तीसरे चरण के शिक्षक बहाली की परीक्षा ली गई थी। उस दौरान पेपर लीक होने का मामला सामने आया था और उसके बाद पेपर रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में मायूसी देखने को मिली थी। लेकिन अब उनके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, क्योंकि अब नई तारीख सामने आ गई है। आपको बता दें कि जुलाई महीने में ये परीक्षा ली जा सकती है। जो लेटर सामने आया है उसमें यही जानकारी देखने को मिल रही है कि 19 से 22 जुलाई के बीच बिहार में तीसरे चरण के शिक्षक बहाली परीक्षा को आयोजित किया जा सकता है। इसके पहले इस परीक्षा को लेकर संभावना जताई जा रही थी कि जून महीने में ये परीक्षा ली जाएगी, लेकिन अब इसमें जो नया अपडेट है वो ये है कि जुलाई में परीक्षा ली जा सकती है। तारीख 19 से 22 जुलाई के बीच हो सकती है। आपको बताते चले कि बीपीएससी के तहत अब परीक्षा ली जाती है। बीपीएससी के तहत जब परीक्षा में शिक्षक अभ्यर्थी बैठते हैं, शामिल होते हैं, बीपीएससी के तहत आयोजित की जाती है परीक्षा, वो अगर पास करते हैं तभी बिहार में शिक्षक बन पाते हैं। सरकारी शिक्षक बनने के लिए नई नियमावली के तहत बीपीएससी के तहत आयोजित किए जाने वाले परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। ऐसे में एक तरफ जहां दो चरण की शिक्षक बहाली पहले ही हो चुकी है, परीक्षा ली गई, परिणाम सामने आया और जितने भी जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो पास हुए, उनकी बहाली की गई, उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा गया, वो तस्वीरें भी सामने आई थी, और अब शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार में इंतजार है तो तीसरे चरण के शिक्षक बहाली की। तो इसमें अब नया अपडेट जो है वो ये है कि 19 से 22 जुलाई के बीच ये परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है और उसके बाद जो शिक्षक है वो इस परीक्षा में शामिल होंगे, पास करेंगे और फिर बिहार में सरकारी शिक्षक बनेंगे, उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, तमाम अलग अलग तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में अब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। उनकी जो नाराजगी थी, क्योंकि मार्च महीने में उन्होंने परीक्षा दिया और उसके बाद पेपर लीक होने का मामला सामने आया, परीक्षा एक तरफ सेंटर में लिए जा रहे थे, दूसरी तरफ खबर आती है कि परीक्षा के पहले ही पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई और फिर अब ये फैसला लिया गया कि तीसरे चरण के शिक्षक बहाली परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। और उसके बाद अब जाकर नई तारीख सामने आई है, जिसके बाद अब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो तैयारी में जुट गए हैं। आपको बताते चले कि अतिथि शिक्षकों के कारण भी ये जो तारीख है उसमें बदलाव किया जा रहा है। अभी तक तीन बार ऐसा कहा जा चुका है कि संभावना जताया गया था कि जून महीने में परीक्षा ली जाएगी, लेकिन उसके बाद तारीख बदली गई और फिर अब जाकर जुलाई की तारीख सामने आ रही है, जिसके तहत 19 से 22 जुलाई के बीच बीपीएससी के तहत बिहार में शिक्षक बहाली के लिए तीसरे चरण की परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। इसमें कुछ नई अपडेट सामने आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।